लगते हैं। आप बहुत शांत मिजाज और बड़ी अच्छी प्रेरणा देने वाले एक महापुरुष समाज में हैं और हमें बहुत खुशी है। हम इस बात को भगवान की कृपा मानते हैं। दक्षिणायनी से हो जाता है। आप वैसे हाल लगा दो, किसे हाल लगा दो। हाँ ये ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली गवाय दुर्गा सीमा शिवादाती स्वास्थान वो सुते बढ़िया। ओम हूँ फट स्वाहा हरी कच्चे लगा लो यार थोड़ा अग्नि में आइए पूर्ण आप में लेकिन ये बजरंगबली हनुमान की जय। हमारे गांव में भगवती माता के मंदिर में प्रथम बार सत्संडी यज्ञ का आयोजन यहां पर हुआ। हमारे पर गांव के ऊपर भगवती माता की बड़ी कृपा है। भगवती माता की कृपा स्वरूप ही पूज्यपाद संत महाराज महाराज जी लोगों का यहाँ पर आना हुआ और इनकी प्रेरणा से इनके हस्तक्षेप से ही समस्त ग्रामवासियों ने सहयोग देने का जब यहाँ पर एक वचन दिया तो हम जो सोच भी नहीं सकते थे इतने दूर से हमारे यजमान परिवार इधर गांव में पधारे हैं।
महाराज जी के आशीर्वाद से, इनकी प्रेरणा से और इनके एक मार्गदर्शन में जो कार्य यहाँ पर संपन्न हुआ है, इसके लिए मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त जनता जनार्दन, सभी युवकों, सभी हमारे बुजुर्गों, आत्माओं, सभी यजमान परिवार, सभी लोगों को पहले बहुत बहुत बधाई अपने तरफ से देता हूँ। आप सभी लोगों के घर में भगवती माता आनंद मंगल करें, सभी का कल्याण करें, सभी को अच्छी भावनाओं, अच्छे संस्कारों, अच्छे गुणों से युक्त करें। इसी तरह के जो सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों के प्रति प्रेरणा सभी की बनी रहे, इस सब के लिए भगवती माता से बार बार प्रार्थना है। भगवती माता की कृपा से जो कार्य यहाँ पर संपन्न हुआ, इसके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल होगा, कम शब्दों में उसको सीमित करना बहुत कठिन हो जाएगा। सर्वप्रथम बड़ी कृपा और कृपा स्वरूप जो महात्मा जी लोग हमारे यहाँ पर पधारे हैं, महात्मा जी लोगों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और सादर प्रणाम, सादर नमन अपनी तरफ से करते हैं कि आप लोगों की प्रेरणा से भगवती माता की उपासना का कार्यक्रम यहाँ पर हम करवाए। आप लोगों के बारे में, आप महात्मा पुरुष तो किसी गुणगान की अभिलाषा से यहाँ पर नहीं आए, किसी आर्थिक लाभ के प्रयोजन से नहीं आए, न उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य होता है, न उनको पद प्रतिष्ठा से मतलब है। और हमारे देखने में जितने समय हमारा व्यवहार उनके साथ रहा है, हमने ये नहीं देखा कि किसी चीज़ की लालसा उनके अंदर है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। तो आपके बारे में कुछ कहना ये एक अनावश्यक सी बात मैं समझ रहा हूँ। हम इतना ही कह रहे हैं कि सिर्फ एक कृपा जैसी भगवती माता की हमारे पर बनी रहे, आप लोगों की भी कृपा बनी रहे, जैसे आज बनी हुई थी, आज तक बनी हुई थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भगवती माता, आपके सारे मार्ग प्रशस्त करें। सर्वप्रथम आप लोगों के ये कहना चाहता हूँ, मैं तो आशीर्वाद आपका आशीर्वाद से, आपको आशीर्वाद हम नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात, हमारे यजमान भाई जो परिवार यहाँ, आपका हम हृदय तल से आभार व्यक्त करते हैं जी। आप इतनी दूर से हमारे बीच में पधारे हुए हैं कि अगर हम यहाँ से एक दिन का चलना शुरू करें तो हम एक दिन में अपने देश से बाहर नेपाल पहुँच जाते हैं। हम दो तीन दिन और चलें, एक आध दिन गाड़ी का प्रयोग करें, हम तिब्बत और चाइना पहुँच जाते हैं। उससे दूर से आप आए, हम कभी सोच नहीं सकते थे कि इतनी दूर समुद्र के किनारे से कहीं पर से कोई भगवती माता कुछ लोगों को प्रेरणा देगी, वो हमारे गाँव में आएंगे और यहाँ पर एक बड़े आयोजन का, बड़े कार्य का, इधर धार्मिक कार्य का आयोजन करेंगे। और सौभाग्य से हमें भी उस आयोजन में, भगवती माता की पूजा में उस आयोजन का हिस्सा बनेगा, हमें भी अवसर मिलेगा। ये हम आज तक हमारे सपने में कहीं का नहीं था। अब जो आपने कार्यक्रम किया, ये भगवती माता को ही अर्पित है, निष्काम भाव के संकल्प के साथ यहाँ पर कार्य किया गया है। फिर भी हम भगवती माता से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों के, आपके परिवारों के, आपके बच्चे, घर परिवार, इष्ट मित्र, जहाँ तक जो भी लोग आपके संपर्क में होते हैं, उन सभी की मनोकामनाएं भगवती माता पूर्ण करें। इस दुर्गा सप्तशती के जितने श्लोक यहाँ पर पढ़े गए हैं, जो भी हवन किया गया है, जो ही शुभ शब्द यहाँ पर कहे गए हैं, जितना पुण्यवाचन या किसी शुभ शब्दों के यहाँ पर उच्चारण किया गया है, वो सभी शब्द करोड़ों गुना बनकर आशीर्वाद के रूप में आपके परिवार पर बरसे, हम ये बात प्रार्थना करते हैं। हमारी भगवती माता से भी प्रार्थना है कि आप जैसे सहृदय व्यक्ति आप हमारे गाँव में आए, सभी से इतना घुल मिल करके रहे, हमें आपके यज्ञ की जितनी प्रसन्नता है उससे ज्यादा इस बात की प्रसन्नता है कि आप इतने सभ्य, संस्कारित और मिलनसार व्यक्ति रहे, व्यक्तित्व की जो आपने छाप छोड़ी। आप अभी कल परसों जितना जब भी समय होगा अपने व्यवसाय पर तो जाएंगे ही, लेकिन हमारे दिलों में आजीवन आप हमारे परिवार की सदस्य की तरह वास करेंगे। हम आपके व्यवहार से और आपकी सदाशयता, आपका मिलनसार जो एक व्यक्तित्व आपका था, उससे हम बहुत प्रभावित हैं। बहुत ज्यादा उसके बारे में नहीं कहना चाहता, हमारे बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर भी आशीर्वाद देंगे, महात्मा जी भी आशीर्वाद देंगे। अब श्रीमान हमारा अभी सत्संडी का कार्यक्रम पूर्ण हुआ, पूर्णावती भी हो गई है, थोड़ी देर में भोजन का कार्य होगा, सभी लोग इंतजार भी कर रहे हैं, अन्य काम भी लोगों को करने हैं। अब थोड़ा सा एक प्रतीकात्मक आप लोग हमारे बीच में आए हैं तो कुछ स्वागत के तौर पर, बहुत बड़ी व्यवस्थाएं हमारी नहीं है तो हम ही यहाँ पर सत्संडी कर रहे होते और आप लोगों को आमंत्रित कर रहे होते, आप लोग आके हमारे यहाँ पर कर गए, हम कृतज्ञ हैं और बहुत आह्लादित भी इस बात से हैं, बहुत खुश हैं इस बात से कि ऐसा कार्य हमारे गांव में हुआ। अब एक प्रतीक के तौर पर, जैसे कहीं एक बार साधारण फोटो खींच लेते हैं या
कोई छोटी मोटी चीज कहीं पर से ले आते हैं, वैसे भी सबसे बड़ा भगवान ने जो बताया कि सबसे बड़ा कैमरा तो आदमी की आंख है, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर कैद रह जाता है। जो हम कह रहे हैं उसका जो हम अपनी तरफ से प्रतीकात्मक रूप में करना चाहते हैं उसका भौतिक मूल्य कुछ नहीं है, नगण्य है। भौतिक मूल्य के आधार पर कोई चीज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही है कि भगवती माता से प्रार्थना है, शायद भौतिक रूप से जो साधन होते हैं भगवती माता ने आपके प्रयास के जो है उनको सफल करते हुए उनमें कभी नहीं की होगी, भगवती माता आगे भी कभी कमी ना करे, ये प्रार्थना है। और सिर्फ एक कुछ समय तक एक निशान एक याद आपके दिलों में हमारे प्रति बनी रहे, इसकी हमारी कामना है भगवती माता से। उसके फलस्वरूप हम पहले महात्मा जी को भी अपनी तरफ से एक जो घरों में एक परंपरा होती है, एक दस्तूर होता है हमारे क्षेत्र में पहले से प्रचलित है कि कोई बहने, कोई रिश्तेदार, कोई नज़दीकी लोग, कोई प्रिय लोग जब आते हैं, कोई फल, कोई कपड़ा, कोई छोटी मोटी ऐसी चीज़ें उनको प्रेम से देते हैं। उसका एक प्रेम का उसका एक महत्व है, ये भावनात्मक उसका एक महत्व है, उसका आर्थिक मूल्य कोई नगण्य ही होता है और गिना भी नहीं जाता है। अब यहाँ पर हमारे बीच में बता रहे साधु महात्मा जी जिनके आशीर्वाद से, जिनके सहयोग से, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी कृपा से ये सत्संग यज्ञ यहाँ पर पूर्ण हो पाया, स्वागत स्वरूप हम उन्हें एक शॉल भेंट करना चाहते हैं। सर्वप्रथम हमारे बीच में श्री माधवदास जी, पूज्यपाद माधवदास जी, इन्हें सॉल भेंट न करने के लिए हमारे बीच में से बुजुर्गण, हमारे बीच में बुजुर्ग मौजूद हैं श्री हेमचंद जी हमारे चचा और श्री जतीश जोशी जी, आप पूज्य संत श्री माधवदास जी को सॉल भेंट करने का कष्ट करें। अब हमारे बीच श्री संतोष दास जी पूज्य संत हमारे बीच में हैं, उन्हें सॉल भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रियागदत्त जोशी, श्री भास्करदत्त जोशी जी, आप उनको बाहर से तमाम जो भाई बिरादर सभी यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए, हमारे एक चचा जो तमाम प्रकार के आयोजन गांव में करते रहे, हनुमान जी का मंदिर भी यहाँ पर स्थापित किया, श्री हरिश्चंद्र जोशी जी और शेखर चंद जोशी जी, हमारे बीच में पधारे हुए पूज्य संत श्री पवनदास जी को आप सॉल भेंट करने का कष्ट करें। जी को सॉल भेंट करने का कष्ट करेंगे। भगवती माता आपको अखंड सौभाग्यवती रखें, हर प्रकार के सुख संपदा से आप भरपूर हैं और ऐसे शुभ कार्य करने की जो प्रेरणा आपकी है वो ऐसे ही बनी रहे, इस तरह की बनी रहे और आगे आने वाली नस्लों में भी आपके गुण व्यवहार आपके मिलनसार, जो बड़ा यज्ञ कार्य हमारे गांव का मैं आकर माता जी की सेवा में यहाँ पर संपन्न किया, एक प्रतीक स्वरूप ये देवी मंदिर दुगायागर का ये भगवती माता का चित्र आप भगवती माता आपके घर परिवार में आनंद मंगल करें, हर प्रकार की सुख संपत्ति, माता का प्रत्येक चिन्ह मंदिर का जो चिन्ह दे रहे हैं वो हमारे प्रमुख रसोईया जीवनदा और यहाँ सभी प्रकार के कैलाश जोशी जी और प्रकाश जोशी जी, इनको भगवती
हमारे गमोलिहार के सिद्ध शक्तिपीठ माँ कालिका के मंदिर का एक चित्र है और भगवती माता आपके ऊपर प्रभाव बना। हमारे पूरी गांव की तरफ से समस्त समाज और सादर प्रणाम मारते हैं। आप बहुत शांत मिजाज और बड़ी अच्छी प्रेरणा देने वाले एक महापुरुष समाज में हैं और हमें बहुत खुशी है। हम इस बात को भगवान की कृपा मानते हैं। जब आपका यहाँ पर आगमन से यहाँ पर ज्यादा सुंदरकांड होने लगे, सुंदरकांड की शुरुआत के ही शब्द है अब भयो मोही भरोसो हनुमंत प्रदान करे, भगवती माता इनके घर में हमेशा आनंद मंगल करे और जिस प्रकार के सेवा भाव जो इनके अंदर ऐसा गुण भगवती माता ने दिया है उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो। इस यज्ञ का एक एक शब्द आशीर्वाद बनकर इनके घर में अमृत बनकर बरसता रहे हमारी कामना है। तो भाई सुनील, कोई भौतिक संपदा हम आपको नहीं दे रहे हैं, कभी आपको उस दिन के लिए तभी याद रहे कि मैं दुगाई आकर गया था, हमारी स्मृति में तो आप बने रहेंगे। जब भी हम कोई कार्यक्रम करेंगे तो आपके कार्य की हमें याद जरूर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुंह देख लिया हो तो यहाँ को सिद्ध शक्तिपीठ महाकाली का उदासी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिद्ध शक्तिपीठ गंगोली हाट में जो कालिका मंदिर है वो मंदिर का एक फोटो प्रतीक चिन्ह के रूप में उनको दे रहे हैं। हमारे बीच में कई बार यहाँ पर आए हैं और बहुत अच्छा कीर्तन भजन आदि का प्रोग्राम में भी भागीदारी करते हैं। बड़े एक बार ऐसा करते हैं सबको पूरा गांव है माता जी के साथ सबके साथ टेढ़ा मेढ़ा ही है उसको भी ले लेना। गुजर अम्मा गए अम्मा के साथ। अब हाथ में कुछ नहीं लेना है। पुनः भगवती माता के मंदिर में इस सत्यनीय यज्ञ इस प्रकार का एक बड़ा यज्ञ करने के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर इसे मेहनत की हमारे पूज्यपाद संत महाराज जी और हमारे सभी यजमान भाई जो गुजरात से यहाँ पधारे हुए हैं सपरिवार का, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि आपको कभी किसी प्रकार का दुख कष्ट न हो। आप जैसे लोग पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह फैलें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फैलें, इस बात की हमारी कामना है। और परमात्मा आपके घर में धन धान्य ऐश्वर्य सुख संपत्ति संतोष हर प्रकार की वृद्धि करें, ये हमारी माता से प्रार्थना है। माता रानी का कृपा प्रसाद आशीर्वाद एक अमृत की तरह आपके परिवार में बरसता रहे। यहाँ पर जितने लोगों ने हमारे पंडित जन भोजन बनाने वाले और अन्य जो भी भाई लोग गांव के इसमें सहयोग दे रहे थे, समस्त माताएँ बहनें गाँव से बाहर रह रहे सभी भाई बहन जिनने भी इसमें सहयोग दिया, उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और एक विशेष बात कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों का अथक प्रयास बहुत बहुत सहयोग है, किसी के सहयोग की उपेक्षा नहीं, किसी के सहयोग को कमतर आंकना नहीं। अगर एक आदमी चाय बनाने में थोड़ी गलती कर रहा है उतने ही में काम में दिक्कत आ जाती है, एक आदमी थोड़ा लकड़ी और छिलका फाड़ने में थोड़ी दिक्कत करें कमी करें तो उतने से ही काम में दिक्कत आ जाती हैं। बहुत बहुत सहयोग सभी का हुआ है, पर विशेष रूप से इस भागवत पूजा अनुष्ठान से संबंधित दो चीज़ें जिनमें बड़ी मदद मिली है उसके लिए मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ। छोटे भाई योगेश और भाई दीपू, तुम्हारी मदद के तुम्हारे सहयोग के बिना शायद ये काम नहीं कर पाता, मैं हिम्मत नहीं कर पाता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परमात्मा आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बरसता रहे। और बड़ी खुशी हुई मुझे आपसे, हमारे जब से हम लोगों का यहाँ पर दुगाई आगर में निवास हुआ है जितनी पीढ़ियों से, ये परंपरागत रूप से हमारे पंडिताई तो हमारे में चली हुई है। भगवान की कृपा से हमें से कई भाई बहुत अच्छे स्तर पर पंडिताई करते हैं, भाई भास्कर जोशी, हमारे चाचा रमेश जोशी और आप नई पीढ़ी में हमारे जा रहे भाई ये भतीजा गौरव जोशी और ये योगेश खुद भी हरिद्वार से पढ़े हुए हैं, आचार्य किए हुए हैं, तो दीपू तो हमारे बीच में यहीं पर से है। इनने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छा सहयोग हमें यहाँ पर दिया इस कार्यक्रम में। इस बात के लिए मैं भूरी भूरी आपकी प्रशंसा करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। भगवती माता से प्रार्थना करता हूँ कि जितनी निश्चल भाव से जितनी शांति के साथ पूरा बहुत शांति का बड़ा रोल है, बड़ा बड़ी भूमिका है, आपने सहयोग दिया इसके लिए आपका कोटि से
हार्दिक धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। यानी सभी लोगों ने जिनने भी सहयोग किया, कोई ऐसा ना समझाए, सभी लोगों का नाम गिनते रहे तो हमारी बिरादरी में जहाँ जहाँ लोग हैं सभी का गिनने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। सभी लोगों के सहयोग से ही कार्य हुआ है, बिना इतने लोगों के सहयोग हो नहीं पाता था। आगे को भी ये मर्यादा और धर्म कुछ ऐसा बना रहे कि कम से कम कोई सामाजिक कार्य, अन्य सभी चीजें जिंदगी में होती रहती हैं, अच्छा बुरा सब होता रहता है, कोई कार्य जो गांव की प्रतिष्ठा से संबंधित होता है तो उसमें गांव की प्रतिष्ठा धूमिल न हो, गांव की प्रतिष्ठा बढ़े, इस बात का हमें ध्यान रखते हुए आगे करने कार्य करने का जो है वो एक चेष्टा होनी चाहिए। और भगवती माता से प्रार्थना की ऐसी भाव ऐसी धारणा बनाए रखें, सभी लोगों के घरों में आनंद मंगल हो, भगवती माता की कृपा बनी रहे, भगवती माता सभी के ऊपर कृपा करें, आनंद मंगल हो सभी के घरों में, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आप लोगों का ऐसे कष्ट के लिए धन्यवाद। अब यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित बुजुर्ग हमारे चाचा हेमचंद जी मौजूद हैं, मैं इनसे अनुरोध करता हूँ कि आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द, सिर्फ आशीर्वाद ही चाहे कह दें, आकर के यहाँ पर कहने का कष्ट करें। सर्वे सुखिनः भवतु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे वज्राणि पश्यन्तु मा कस्य सुखात्मने। सबके घर में भगवती माता आनंद करे, सबका भला हो। यह साधु संत महाराज बहुत दूर से हमारे यहाँ बता रहे हैं, धन्य हो इनकी शांति के लिए। और ये हमारे जो जवान गुजरात से आए हैं, इनकी सहलता इनकी सहलता इनको देख के हमें बहुत प्रसन्नता है, इनमें बहुत शांति है। बहुत समुद्र के किनारे से हिमालय के तट पर ये आए हैं, इनको भगवती माता पुनरागमन करें और आए ही हमारे यहाँ और यज्ञ करें, यही हमारी इनसे प्रेरणा है। इनके घर में माता भगवती इनकी मनोकामना पूर्ण करें, इनके घर में आनंद हो, सारे गांव वालों के घर में आनंद हो, सबके घर में आनंद मंगल हो, यही हमारी कामना है। बोलो भगवती माता की, बोलो बजरंगबली हनुमान की, बोलो श्यावर राम चंद्र भगवान की, बोलो आदित्य नारायण की, बोलो गंगानाथ देवता की, बोलो सभी ग्रामवासी देवताओं की जय। धन्यवाद आप सभी लोगों का। अब भोग और आरती हो रही, यहाँ रक्षा है एक तरफ, चलो रक्षा चलो, और सभी लोग भोजन करके ही जाएगा, कुछ देर जरूर हो रही है, विलंब हो रहा है, ये बहुत लंबा कार्य था, हवन भी बहुत लंबा होता है, और कार्यक्रम जो शुरुआत से ही बहुत जल्दी जल्दी में किया गया है, तैयारियों का बहुत ज्यादा टाइम नहीं था पहले से ही, तो कुछ विलंब आपको जरूर होगा, इतना कष्ट और करें कि बगैर भोजन करे यहाँ से न जाए। बोलो भगवती माता की जय। Yeah।
ले जाएगा।